ठीक है भाई अच्छी कंपनियों में निवेश करो वेन आई एम गेटिंग ए चांस टू पार्टनर विद मुकेश अंबानी वाई आई शुड डू पार्टनरशिप विद ए कंपनी विच इज ओनली हंड्रेड करोड्स जिसमें की स्पेकुलेशन भी पॉसिबल है जिसमें की हर तरीके का काम पॉसिबल है मैं क्यों अपना रिस्क बढ़ाऊँ अगर आपको स्मॉल कैप मिड कैप इनमें करना है इन्वेस्ट गो थ्रू म्यूचुअल फंड सिप ना भाई साहब आप ये सोचो कि आप सोच मेरा मेरी क्या सोच है मैंने एक म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करी भाई साहब मैंने एक वो आदमी को नौकरी पे लगा लिया अपनी जो एक करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह लेता है आई एम टॉकिंग अबाउट टी फंड मैनेजर आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो मेरा जो है एक डेढ़ परसेंट लेगा मुझे ज्यादा रिटर्न नहीं देगा अरे आप कमाई ही कहाँ पा रहे हो आप मुझे दिखाओ ना कि दस साल से आपका ट्रैक शीट पॉजिटिव है तो, तो आप सोचो कि मैं उससे ज्यादा कमा लूंगा बिल्कुल और ये कहना अभिषेक भाई कि मैंने चार सौ पे लिया था देखो आज चौबीस सौ है मैंने डेढ़ सौ पे लिया था आज तीन हजार है भाई जिस दिन ले लो और वो तीन हजार चला जाए उस दिन यू कॉलर करना उससे पहले सब मिथ्या है कुछ नहीं रखा इन बातों में क्या बात है तो फिर दीपक भाई एक बात बताइए जो आपने बोला 200 से 400 चले जा रहा है 800 चले जा रहा है ये एक इंसान पकड़ेगा कैसे टेक्निकल एनालिसिस करके फंडामेंटल कंपनी के प्रमोटर को जान के क्या करना पड़ेगा आपने कभी अपने लाइफ में कुछ ऐसा होल्ड किया है जो बहुत अच्छा हाँ मैंने अभी हाल ही में ही किया है

सात सौ पांच मैं बायर हूं उसका वो जिस दिन मर्जी आ जाए अच्छा अब मेरे साथ कंडीशन क्या है कि वो हाई और जिस दिन मैं ये बेड लगा रहा हूं उसमें कम से कम नहीं तो एक से डेढ़ महीने का अंतर होना चाहिए अच्छी तरह से वो नीचे गिरे कंसोलिडेट हो फिर ऊपर आए जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेशन पीरियड होगा जैसे अगर आप वोकार्ड को देखेंगे 2200 से गिरते गिरते 120 या पैंसठ रुपये कुछ आ गया और वहाँ से आठ साल बाद चला है तो जब उसने 135 क्रॉस किया